जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी और स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों, आज का जो ये वीडियो है स्पेशली मैं बना रहा हूँ कि CRPF में लगने के बाद में आपकी जब सैलरी स्टार्टिंग में कितनी मिलती है और जब आप रिटायरमेंट होते हो 20 साल के बाद में तो आपकी सैलरी कितना गुना बढ़ जाती है। ये 101% फुल डाटा है दोस्तों। इसमें कहीं पे भी आप कहीं पे भी चेक कर सकते हो। इसका कोई भी प्रूफ, जैसे आजकल पे स्लिप आती है, वो पे स्लिप के रूप में भी आप इसके प्रूफ दे सकते हो। ये 101% मतलब कि 100% पे स्लिप से बनाया गया वीडियो है कि कितना परसेंट कितने साल में बढ़ गई दोस्तों। तो एक बार मैं इससे पहले आपकी कितनी बढ़ेगी, उससे पहले आपको एक छोटा सा नमूना पेश कर रहा हूँ कि कितनी बड़ी है जो पुरानी। तो आपके सामने दोस्तों एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, 2005 में जो CRPF में बढ़ती हुई, चाहे CRPF हो, BSF, CSF या कोई भी पैरामिलिट्री फोर्स है, उसके लिए बता रहा हूँ, ये आर्मी के लिए नहीं है, जो उनके आधार पे बता रहा हूँ, उनकी पे स्लिप के आधार पे, क्योंकि इन सभी डिपार्टमेंट में सेम ही बेसिक होती है और सेम एक ही रूल से बढ़ती है दोस्तों। तो साथ ही बता दूँ, जो मेरा दूसरा YouTube चैनल फौजी मैथ अकेडमी, जिसमें मैं तो रीजनिंग क्लास शुरू करने वाला हूँ, उस पर भी आज से वीडियो आने शुरू हो जाएंगे दोस्तों। जिन लोगों ने अभी तक उसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर ले। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक सबसे ऊपर मिलेगा और वो मेरे चैनल के साथ अटैच भी है। अब दोस्तों, मैं आपको एक आंकड़ा बताता हूँ, 2005 में जो CRPF में भर्ती हुए थे आपके आसपास में या किसी के पास में, तो उनको उस समय जो बेसिक पेमेंट मिलता था वो मिलता था 3050 रुपये, और जो टोटल पेमेंट मिलता था जिसमें जैसे राशन मनी, DA, HRA, कुल मिला के ग्रोस पे उनकी जो बनती थी 5000 के समथिंग, उनमें से उनके हाथ में जैसे 4500 रुपये के आसपास मिलते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नॉर्मली बता रहा हूँ कि उनको 5000 रुपये के समथिंग मिलते थे, क्योंकि उस समय पे स्लिप नहीं होती थी, ना ही अकाउंट में पैसे देते थे सीधे हाथ में। आप सभी को पता होंगे, अगर किसी के परिवार में अगर कोई फौजी है तो उनको पता होगा कि पहले पेमेंट अकाउंट में नहीं देते थे, पहले पेमेंट सीधा हाथ में देते थे दोस्तों। तो जब हाथ में पेमेंट देते थे तो 5000 रुपये से, मतलब 5000 रुपये ज़्यादा लिया है मैंने, इससे कम ही थे दोस्तों पेमेंट, 5000 रुपये ग्रोस पे जो मतलब टोटल बनती थी, कटने के बाद की पेमेंट नहीं है, टोटल पेमेंट 5000 के आसपास बनती थी। अभी चल रहा है दोस्तों 2020 में जिनकी उस समय 2005 में जिनकी बेस स्लिप बेसिक पे दोस्तों 2020 जिनकी बेसिक पे 2005 में 3050 थी, अभी उनकी बेसिक पे 2020 में 36600 रुपये दोस्तों। तो ये मतलब कितना गुना बढ़ गई है केवल 15 साल में दोस्तों, 12 गुना। ये 101% है कि 12 गुना उनकी पेमेंट बढ़ गई है, और जो टोटल पेमेंट उनको मिल रही है नॉर्मल रिस्क अलाउंस एरिया के साथ 60000 रुपये मिल रही है, मतलब ये भी 12 गुना तक बढ़ गई है। आप किसी की भी चेक कर सकते हो, अगर आपके परिवार में कोई भी है तो उनसे पूछ भी सकते हो, जो पुराने फौजी उनको समय लगा है इसमें 15 साल। तो दोस्तों 15 साल का समय लगा है इसमें, अब आपके सैलरी कितना, क्या आपकी भी 12 गुना बढ़ेगी? तो अगर 12 गुना आपकी बढ़ेगी तो आपकी सैलरी कितनी होगी या कितनी नहीं होगी, इसके ऊपर हम बात करते हैं कि आपकी जो सैलरी है स्टार्टिंग में आपको कितनी मिलेगी और बाद में आपको कितनी बढ़ेगी। पहले तो मैं आपको बता दूं कि साल में सैलरी बढ़ती कैसे दोस्तों, एक साल में कितनी बार सैलरी बढ़ती है। तो पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि एक साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है। किस रूप में? एक साल में 3 बार सैलरी बढ़ती है, 2 बार DA बढ़ता है और 1 बार इंक्रीमेंट, जो मतलब सालाना पेमेंट आपकी पेमेंट में बढ़ोतरी होती है वो, और 2 बार बढ़ता है DA, ये साल में 1 बार जनवरी और 1 बार जुलाई में, जो कभी 3%, कभी 4%, कभी 5%, मतलब महंगाई के हिसाब से गवर्नमेंट इसके लिए एक अलग से आयोजन जो कमेटी गठित होती है वो डिसाइड करती है, लेकिन कम से कम 3% से ऊपर ही बढ़ता है दोस्तों। तो अभी अगर हम बात करें कि आपकी जब आप 2021 में ज्वाइन, जो 2021 में जो लगने वाले हैं, 2021 के बाद में 2026 से पहले पहले जो लोग लगने वाले हैं, क्योंकि 2026 में एड्स पे कमीशन आया आपको पता होगा, तो 2021 में जो लगने वाले हैं उनको बेसिक पे मिलता है 21700, पैरामिलिट्री फोर्स में 21700 रुपये, आप सभी को पता है, और उनकी 20 साल की जो सर्विस होगी वो कब होगी दोस्तों, 2041 में उनकी 20 साल की सर्विस कंप्लीट होगी। पहले 5 साल में ये नियम है कि पहले 5 साल में बेसिक ओनली 700 रुपये बढ़ती है, इसमें परसेंटेज नहीं चलता, मतलब कि हर अगले साल आपकी जो बेसिक सैलरी, ये केवल मैं बेसिक की बात कर रहा हूँ या DA की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, DA कितना बढ़ेगा ये मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले हम अगर बेसिक की बात करेंगे, बेसिक कितनी बढ़ेगी, तो बेसिक बढ़ती है हर साल में, एक साल में आपके 700 रुपये, पहले 5 साल के लिए दोस्तों। तो पहले 5 साल, यानी अगर आप जो 21 में ज्वाइन करते हैं तो उनकी जो पहले 5 साल है
यानी 2026 एट्थ पे कमीशन लगने से पहले पहले सालाना उनकी 700 रुपये पेमेंट बढ़ेगी। तो 2026 तक उनकी पेमेंट कितनी हो जाएगी दोस्तों, 2026 तक उनकी पेमेंट हो जाएगी 25,000 दोस्तों। अब एट्थ पे कमीशन में दोस्तों सभी को पता है कि पे कमीशन जब लगता है तो सैलरी काफ़ी मतलब 20% तक बढ़ती है। ज़रूरी नहीं कि 20% बढ़े, लेकिन हाँ 20% कई बार तो 30% भी बढ़ी, कई बार 40% भी बढ़ी है, लेकिन अगर औसतन आंकड़ा माना जाए तो 20% सभी अनुमान मतलब 20% के आसपास तो सैलरी बढ़ती ही बढ़ती है। तो 26वां जब पे कमीशन लगेगा 2026 में, 8वां पे कमीशन आपको पता है एट्थ पे कमीशन लगेगा 2026 में, तो उस समय अगर आपकी सैलरी अगर 20% बढ़ती है दोस्तों तो बढ़ेगी 5,040 रुपये। तो 2026 में सैलरी हो जाएगी 30,240 रुपये। और जब जैसे 5 साल फोर्स में कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, फिर वर्दी मतलब पेमेंट वर्दी फिर 700 रुपये फिक्स नहीं होता, फिर लगभग 3% 5 साल के बाद में पेमेंट में लगभग बेसिक पे निरंतर 3% सालाना बढ़ती है दोस्तों, मतलब कि 3% के हिसाब से आपकी बेसिक पे पड़ती है। तो 10 साल में आपकी इस हिसाब से अगर आप देखें तो 10 साल में आपकी जो सैलरी है वो कितनी बढ़ जाएगी दोस्तों, 10 साल में अगर 3% सालाना बढ़े तो 10 साल बाद में आपकी जो बेसिक पेमेंट होगी वो हो जाएगी मतलब 2036 तक 40,500। 2036 में फिर वापस आपको पता है 9वां पे कमीशन आएगा, 9th पे कमीशन। जैसे 9th पे कमीशन में हम वही बात लेके चलेंगे कि 20% अगर बढ़ती है, बढ़ोतरी होती है तो 9,000 रुपये के समथिंग आपकी बढ़ेगी, और उस समय आपकी 2036 में जाके पेमेंट हो जाएगी 50,000 मतलब 49,500। और 2041 तक ये बेसिक पे आपकी 56,275 रुपये, जिस हिसाब से फिर अगले 5 साल की 0.3%, यानी अभी जो शेड्यूल चल रहा है अगर उसी हिसाब से अगर आपकी सैलरी बढ़ती है दोस्तों तो 2041 तक आपकी जो बेसिक पे बेसिक जो पे है वो 56,275 हो जाएगी, इसमें विदाउट डीए और कोई भी बिना कोई भी अलाउंस जोड़े हुए। अब अगर हम डीए की इनकी बात करेंगे तो वो कितना बढ़ेगा और आपकी सैलरी कितनी होगी अभी के अकॉर्डिंग, तो देखिए डीए कैसे बढ़ता है और डीए कितना बढ़ जाएगा आपका उस समय और आपकी सैलरी कितनी बढ़ सकती है दोस्तों। तो अब बात करते हैं हम डीए की। अगर हम डीए की बात करें दोस्तों तो अभी प्रेजेंट टाइम में आप जब लगोगे तो डीए धीरे धीरे हर सालाना बढ़ता है, 0% से शुरू होकर 2% 5% ऐसे इस प्रकार से डीए मिलता है। तो वो डीए बढ़ता मतलब एक साल में 3% 2 बार डीए बढ़ता है, एक साल में डीए 2 बार बढ़ता है दोस्तों। मैंने बताया दोस्तों आपको लगता है कि डीए इसी रूप में बढ़ता रहेगा मतलब कि 5% 10% 20%, तो ऐसा नहीं। जब 6th पे कमीशन या अभी जैसे 7th पे कमीशन लगा था 2016 में, तो हुआ क्या था कि जो डीए था वो 135% तक मिल रहा था कई लोगों को जो पुराने भर्ते थे उनको, तो क्या क्या इस 35% जो डीए है इसको उनकी बेसिक सैलरी में मिला दिया था, तो उनकी बेसिक अचानक से ही सीधा बढ़ गई। ये 135% डीए उनकी सैलरी जो बेसिक, जैसे अगर मान लो उनको जितना मिल रहा था वो उनकी बेसिक में डीए के रूप में मिला दी गई थी, तो अगर 120% मिलता है तो 68,400 के आसपास डीए होता है दोस्तों। तो अगर आप 57,000 प्लस अगर इनको जोड़ें तो 125,400 रुपये आपकी डीए के साथ में पेमेंट हो जाएगी। अब इसके साथ में हो जाएगा एचआरए मिला लीजिए दोस्तों, एचआरए, फिर रिस्क अलाउंस, राशन मनी, ये सभी चीज़ें और भी साथ में बढ़ती है। तो ये मान के चलिए कि आपका 20 साल बाद में पेमेंट अगर हम एचआरए लेंगे, अगर कम से कम 8% वालों का ले तो उनका एचआरए 8% हो जाएगा 4,500 कुछ रुपये। तो अगर मान लो 16% कहीं को 16% मिलता है, कहीं को 24% मिलता है, अगर कम से कम मिलेगा 8% तो भी 30,000। उसके साथ में अदर जो अलाउंस मिलते हैं वो भी धीरे धीरे बढ़ते रहते हैं, तो मतलब कि 20 साल के बाद में आपकी पेमेंट 135,000 से ऊपर ही होगी दोस्तों, 135,000 से कई ज़्यादा ऊपर होगी। ये तो मैं बता रहा हूँ मिनिमम, इसमें रिस्क अलाउंस नहीं है दोस्तों, रिस्क अलाउंस नहीं है। और अदर आगे जाके फ्यूचर में अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीमों के अनुसार अगर कोई और चीज़ें जुड़ती है तो वो चीज़ें भी इनके साथ नहीं है। इसमें मैं आपको सिर्फ आपकी बेसिक
मतलब ये मान के चलिए कि 135,000 आपकी पेमेंट, ये मैं केवल बेसिक के जो अभी का जो रूल चल रहा है बेसिक बढ़ने का उसके अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ दोस्तों। अब आगे फ्यूचर में जाके अगर कोई रूल नया आ जाए तो उसके अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इस हिसाब से बढ़ती रहेगी। तो इतनी आपकी मतलब बेसिक और डी ए, बेसिक प्लस डी ए, एच आर ई सबका अलग अलग है। अगर सभी का एच आर ई मिलाएंगे तो 16% से, कईयों का 24% से 16,000, तो मतलब 135,000 में बताया हूँ, तो ये मान के चलिए कि 135,000 ये सबसे नीचे का आंकड़ा है, ये सबसे नीचे की पेमेंट होगी। अब इसमें रिस्क अलाउंस अगर मान लो अभी प्रेजेंट टाइम में 17,000 रिस्क अलाउंस है, तो आप मान के चलिए 20 साल बाद में रिस्क अलाउंस 30,000 रुपये से ऊपर ही होंगे। तो अगर 30,000 रिस्क अलाउंस मिलता है तो 165,000, और अगर आप उसके समय राशन मनी भी आपको पता है अभी मिलती है 3636 रुपये पैरामिलिट्री फोर्स में राशन मनी, तो आज के 20 साल बाद में आप कल्पना कर सकते हो कि ये राशन मनी कितनी होगी। तो मतलब ये पेमेंट मान के चलिए कि 2,00,000 रुपये के सम 135,000 और 30,000 मतलब 175,000 के आसपास आपकी 20 साल बाद में पेमेंट होगी दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है। 175,000 के आसपास आपकी पेमेंटें बनेगी, इसमें कट कटा के भी अगर आपको मिलेंगे तो 150,000 से ऊपर ही मिलेंगे दोस्तों, 150,000 से ऊपर मिनिमम जिनकी पेमेंट होगी उनको मिलेंगे। तो ये होता है दोस्तों कि आपके जो पे स्लिप का मैंने बताया पूरा का पूरा आंकड़ा ये इसी प्रकार का होगा, और ये पूरा 100% फैक्ट है। आप किसी भी रूप से अब आगे जाके गवर्नमेंट की अगर पॉलिसियाँ चेंज हो जाती है, पेमेंट बढ़ाने के तरीके चेंज हो जाते हैं, तो फिर बात अलग है। नहीं तो इस प्रकार से अगर आपके माने तो 20 साल बाद में दोस्तों ये पेमेंट आपकी बन जाएगी। तो जो भी पैरामिलिट्री फोर्स में ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही जानकारी का वीडियो है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और जो मेरा दूसरा चैनल है फौजी मैथ अकेडमी, उस पर मैं मैथ के वीडियो शुरू करने वाला हूँ, तो आप ज़रूर उसको सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद दोस्तों।